एक ओर जहां बारिश नहीं होने से शहरवासी खासे परेशान थे, वहीं अब दो दिन से हुई मामूली बारिश ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। सुनकर शायद आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन इस थोड़े से बारिश ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरा गड़बड़ा सा गया है। इमलीपारा के वार्ड क्रमांक 17 में तो बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर आना जाना करते देखे गए। हल्की सी बारिश से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया। घुटनों तक के पानी भर जाने के कारण आवाजाही में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ नाली बना है, नाली के ऊपर से पानी जाता है, ज्यादा पानी गिर जाता है तो फिर आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? ये देखो ऐसे आते हैं जैसे आते हैं, पानी के ऊपर से बहुत परेशानी। मोहल्ले के पार्षद को क्या मालूम, पार्षद तो क्या देखेगा, इतना पानी भरा रहता है। कोई यहाँ का मोहल्ले वाले पार्षद ध्यान देता अब ना, पूरा भवनों में जाके घुसे रहता है, इतना गंदगी रहता है, कोई साफ करवाने वाला भी देखने भी नहीं आते हैं नगर निगम वाले। छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं, धोखा से कहीं नली में गिर जाए, पार्षद तो यहाँ देखने भी नहीं आ रहे मालूम, और आने जाने में इतना परेशानी, गाड़ी निकाल के अपन आ ही जा नहीं सकते। इस मुद्दे को लेकर जब हम जनप्रतिनिधि से मिले तो उनका जवाब था कि शहर की साफ सफाई जिन ठेकेदारों के हाथ में है वे ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण शहर का ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ा सा गया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और लोगों को इस समस्या से निपटने के लिए कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जितने भी अभी जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वे सारे के सारे लापरवाह है, बेलगाम है, वे जनप्रतिनिधि की सुनते नहीं है, जिससे कारण नाली और नालों की सफाई न होने की स्थिति में भी पानी का भराव जो हो रहा है, ये मेन कारण है कि नालियां और पुल की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाई है। इस विषय में सारे जनप्रतिनिधि ने अभी 2 या 3 दिन पहले निर्णय दिया कि सब हम अपने अपने वार्ड में सतत मॉनिटरिंग कर सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान देंगे। श्रीकांत वर्मा मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जहां राहगीरों को आने जाने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा, मगर हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ठेकेदार बदलने की बात कहकर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात कहते नजर आए। माननीय मंत्री जी का ये आदेश हुआ है कि जो ठेकेदार काम नहीं करते हैं उन्हें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उनका ठेका निरस्त किया जाए। माननीय मंत्री जी का ये आदेश हुआ है और इस आदेश का शीघ्र पालन भी होने वाला है। इस समस्या को लेकर गहरी चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में हम स्मार्ट सिटी के दायरे में आ जाएंगे, मगर ऐसे समस्याओं का निपटारा यदि हम जल्दी नहीं कर पाएंगे तो हमारे स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। एक और जहां शहर स्मार्ट सिटी के दर्जे में आ चुका है, वहीं एक और गली मोहल्ले में साफ सफाई न होने के कारण हल्की सी बारिश में ही शहर जलमग्न हो चुका है। अब देखना यह होगा शहर के प्रतिनिधि इसे किस प्रकार से साफ सफाई करते हैं और शहर में पानी भरने से रोकते हैं। कैमरामैन सतीश बाटवे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।